हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेमिनी नेटवर्क न्यूज एंड अपडेट्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कुछ न्यू अपडेट शेयर करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा आप लोग अच्छे से वॉच करिएगा। एंड आज की जो अपडेट है दोस्तों, वो कुछ इस तरह से है, जिसमें आर फाइनेक्स एक्सचेंज के बारे में यहाँ पर एक अपडेट है, यानी कि आर कॉइन का एयर ड्रॉप जो हम लोगों ने ज्वाइन किया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, एयर ड्रॉप में सभी को 10 कॉइन मिल रहे थे, उस समय इसकी वैल्यू $22 थी करीब, लेकिन टोकन की प्राइस डबल हो चुकी है, यानी कि $4 पर टोकन हो चुका है, तो $40 के टोकन ये बनते हैं, तो उसके बारे में एक अपडेट है। एंड और सेकंड वन है दोस्तों, यहाँ पर मिंगल चैन के बारे में, मिंगल चैन में ओल्ड यूजर्स को किस तरह से अपना वॉलेट एड्रेस सबमिट करना है बॉट में। फिन वॉल के बारे में आपको मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, वो डीएक्स के बारे में भी शेयर कर चुका हूँ हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर। एंड ओकेएक्स के बारे में भी काफी सारे दोस्तों के क्वेश्चन है कि हमें वहां पर इथेरियम को सेंड करना है या नहीं करना, तो उसके बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आर फाइन एक्सचेंज की अपडेट की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों, आर फाइन एक्सचेंज के ऑफिशियल ग्रुप में यहाँ पर एक रिसेंटली एक फॉर्म पास किया गया है, जिसको हमें फिल करना है, जितने भी लोगों ने इन यहाँ पर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया है और साइनअप किया है, ठीक है, तो उन सभी को यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है और केवाईसी करना जरूरी है। दोस्तों, एयर ड्रॉप अभी भी एक्टिव है, 5 अगस्त तक यहाँ पर एक्टिव रहेगा, जैसा कि यहाँ पर बताया हुआ है। इवेंट एंड हो जाएगा 5th ऑफ अगस्त को, एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा 8th ऑफ अगस्त से टिल 19th अगस्त तक, ठीक है। एंड आपने अपना गूगल ऑथेंटिकेटर वहाँ पर अनेबल कर लेना ध्यान से। गूगल ऑथेंटिकेटर अनेबल करने के लिए दोस्तों, आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल पर जाना पड़ेगा। एंड उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, आर कॉइन की वैल्यू आप देख सकते हैं $4.1 करीब आ चुकी है, तो ये काफ़ी स्पीड से ऊपर जा रहा है। आप देख सकते हैं बाय ऑर्डर कितने सारे हैं यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है दोस्तों अभी। और आपने इसको सेट कैसे करना है 2FA को, आपने सिंपली सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में आने के बाद आपने यहाँ पर 2FA को अनेबल कर लेना, एंड ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आईडी वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। एंड बाकी दोस्तों, आपने जस्ट ये वाला फॉर्म फिल करना है। इस वाले फॉर्म को फिल करने के लिए दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आपने ये वाली पोस्ट को लाइक एंड रीट्वीट करना है। तो ये वाली पोस्ट दोस्तों कुछ इस तरह से आएगी, यहाँ पर आपने इसको लाइक करना, रीट्वीट करना एंड कुछ कमेंट कर देना अच्छा सा इनके एक्सचेंज के बारे में। आपने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, यहाँ पर आपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस देना, रीट्वीट का लिंक यानी कि जो भी आप यहाँ पर कमेंट करोगे इसका लिंक आपने ले लेना एंड यहाँ पर आपने दे देना, और अपना टेलीग्राम का यूजर नेम एंड योर रेफरल बाय टेलीग्राम यूजर नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने जस्ट इसको सबमिट कर देना दोस्तों, ये आपका फिनिश हो जाएगा। एंड इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद हम सब लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे आर कॉइन्स के लिए। एक दोस्तों, एक और इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इनके जब ये इनका आर्टिकल था जिसमें इन्होंने अपने प्रोग्राम के बारे में शेयर किया था, तो यहाँ पर इनके रूल्स में एक चीज़ मेंशन की हुई है कि जो भी यहाँ पर कॉइन्स मिलेंगे वो दोस्तों लॉक्ड पीरियड में होंगे फॉर 100 डेज के लिए, और 1% उसमें से डेली ऑटोमेटिकली अनलॉक होता रहेगा, जैसे कि इसकी प्राइस डंप ना हो इमिडिएटली, मतलब अचानक से प्राइस डंप हो जाएगी तो $4 से $1 पर आ जाएगा, उससे भी नीचे चला जाएगा। इस वजह से यहाँ पर आई थिंक ऐसा किया गया है, ये सेम उस तरह से किया गया है जैसे कि कॉइन ही एक्सचेंज में किया था, सेम वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ है 1% का। तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों डेली, अगर आपको 10 टोकन मिलते हैं और 1% उसके अराउंड यहाँ पर होते हैं, 0.1 कॉइन एंड 0.1 कॉइन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 सेंट्स का, आप डेली यहाँ से कॉइन्स को कलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा और कोई चांस नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, अच्छा खासा है और ये प्रॉफिट कुछ ना कुछ दे ही रहा है हमें, तो आप लोग इसको कर लेना। एंड बाकी दोस्तों, जो नेक्स्ट वाली अपडेट है मिंगल चैन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों, ये मिंगल चैन का बॉट है, और इस बॉट में हम लोगों ने वॉलेट को सबमिट करने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, जितने भी ओल्ड यूजर्स है जिनका ऑलरेडी अकाउंट था ईमेल एड्रेस के थ्रू मिंगल चैन एप्लीकेशन पर, तो मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। करना क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपली अपने मोबाइल पर जाना एंड वहाँ पर आपने मिंगल चैन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। दोस्तों, ओपन करने के बाद आपने सिंपली वहां पर अपनी प्रोफाइल सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने यहां पर अपनी प्रोफाइल्स पर जाना एंड सेटिंग्स वाले बटन पर आपने क्लिक करना। यहां पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपने अपनी चेंज करनी है ONT की वॉलेट आईडी, यानी कि जो आपका वॉलेट एड्रेस है आपने यहां पर मैनुअली उसको सेट करना पड़ेगा आई थिंक। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और क्लैरिफाई मैं इसको कर देता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमें 2 बार एड्रेस को सबमिट करना है बेसिकली। तो सबसे पहले तो दोस्तों, यहाँ पर आपने अपने रेफरल पर क्लिक करना, एंड यहाँ पर भी आपको दोस्तों अपना एड्रेस सबमिट करना पड़ता है मैनुअली, ठीक है, वॉलेट एड्रेस। तो आपने यहाँ पर सबमिट कर दिया होगा ऑलरेडी, मुझे पता है। एंड उसके बाद दोस्तों, आप लोगों ने सेटिंग्स पर जाना एंड वहाँ पर भी आपने एड्रेस को अपना सबमिट करना पड़ेगा अगेन। तो उसको चेंज करने के लिए आपने चेंज माई ONT ID पर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर आपने चेंज पर क्लिक करना। एंड यहाँ से दोस्तों, ये आपका आपका ONT का वॉलेट एप्लीकेशन होपफुली आप सबके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल होगा, क्योंकि जब हमने एयरड्रॉप ज्वाइन किया था तो इंस्टॉल करना नेसेसरी था, ठीक है। एंड उसने आपने उसको सेटअप भी कर लिया होगा, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पर आपसे उसका पासवर्ड पूछा जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ वॉलेट को ओपन करके। फ्रेंड्स, ये वॉलेट ओपन है एंड आप सबने इसको इंस्टॉल किया होगा। यहाँ पर आपका ये वाला एड्रेस है, ये वाला एड्रेस आपने सबमिट करना होगा, लेकिन जब आप एप्लीकेशन पर जाते हो
जब आप यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर आपने चेंज पर जैसे क्लिक करोगे, आपने ONT वॉलेट का पासवर्ड देना, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा एंड आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जब आप बॉट में जाओगे वापस अगेन, तो आपने जस्ट अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना है। जब आप वॉलेट सबमिट करते हो तो आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है करना क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे सभी स्टेप फिनिश होते हैं इसको ज्वाइन करने के, एंड अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट कर सकते कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्टली मिंगल चैन के टेलीग्राम ग्रुप में इनके एडमिन से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद की जो नेक्स्ट वाली अपडेट है ये है फिन वॉल के बारे में। तो दोस्तों इसकी अपडेट मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ एंड सॉरी फॉर मैंने थोड़ा सा इसको गलत प्रोनाउंस किया, फिन वेलेक्स ये इसका नेम है। और यहाँ पर दोस्तों एयर ड्रॉप आई थिंक अभी एक्टिव है, आप लोग देख लेना, जब मैंने ये शेयर किया था रिमाइंडर तब अपडेट था, एक्टिव था एयर ड्रॉप। तो ओल्ड यूजर्स हैं जितने भी और न्यू यूजर्स हैं, तो यहाँ पर जब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर हमें दो तरीके के एड्रेस के लिए कहा जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको बॉट की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पर दोस्तों दो तरीके के एड्रेस के लिए कहा जाता है। पहला होता है हमारा इथेरियम का एड्रेस जो हम पहले ही सबमिट कर देते हैं इस बॉट को ज्वाइन करते वक्त, ठीक है। एंड दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पर हमें एक एड्रेस और सबमिट करना है, तो ये बॉट उसके लिए ऑटोमेटिकली आस्क नहीं करता, हमें उसको मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। और मैनुअली ऐड करने के लिए दोस्तों आपने इस वाली कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, /forward/additional wallet, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपने फिन वेलेक्स पर यहाँ पर साइनअप करना पड़ेगा, लॉग इन कर लेना, एंड लॉग इन करने के बाद आपने वॉलेट पर जाना, यहाँ से आपको आपका इथेरियम का एड्रेस मिल जाएगा, वाला एड्रेस आपने कॉपी करना, डिपॉजिट पर क्लिक करके इसको कॉपी करना, एंड ये वाला एड्रेस दोस्तों आपने यहाँ पर सबमिट कर देना, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड जैसा कि दोस्तों यहाँ पर बताया है कि हमें अपना KYC करना है एक्सचेंज पर जाकर, यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाकर हमें KYC भी सबमिट करना है एयर ड्रॉप रिसीव करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग KYC कर सकते हैं, आपको अगर सही लगता है तो आप लोग कर लेना, मैं इसमें फोर्स नहीं करूँगा। एंड बाकी प्रोजेक्ट दोस्तों जेन्युइन है ये, और यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पर जाना पड़ेगा एंड अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। अपनी प्रोफाइल अपडेट कर देना, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना, तो दोस्तों ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड दोस्तों उसके बाद की अपडेट है VODX के बारे में। VODX के बारे में आपके साथ मैं एक आर्टिकल शेयर कर चुका हूँ, इस आर्टिकल में बताया है कि हमें कैसे क्लेम करना होगा, कब हमारे पास क्लेमिंग का मेल आएगा, बाउंटी जो हमने ज्वाइन करी थी एंड वो बाउंटी का एयर ड्रॉप था क्योंकि वहाँ पर सभी को अराउंड 1000 टोकन मिल रहे थे, तो आप उसकी वैल्यू इस समय आई थिंक $10 के आसपास वर्थ करती है, मैंने चेक नहीं किया है, बिट्रेक्स एक्सचेंज पर लिस्टेड है वैसे वो। तो यहाँ पर दोस्तों आपने करना क्या है, यहाँ पर स्टेप बताया हुआ है कि जब हमारे पास क्लेमिंग मेल आएगा तो हमें करना क्या होगा, तब हमें करना होगा हमारे पास ये वाला एप्लीकेशन होना ज़रूरी है, तो उसको आप लोग अभी से डाउनलोड करके रख लीजिए। एंड जब हमारे पास मेल आएगा आप लोग मेल पर थोड़ा सा फोकस करना, मेल ये लोग सेंड करेंगे अराउंड 15 अगस्त के आसपास, या उस तब 15 अगस्त से लेकर के ये लोग यहाँ पर 15 सितंबर तक सेंड करेंगे, ठीक है। और आपने ये वॉलेट इनका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, यहाँ पर आपने VODX सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड यहाँ पर जो भी सभी स्टेप दिए हैं ये स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल स्टेप्स हैं, इसके बाद हम लोग क्लेम कर पाएंगे। तो दोस्तों बस यही अपडेट थी एंड लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं EOKX के बारे में। EOKX का दोस्तों इस समय काफ़ी ज़्यादा मेरे पास लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें 0.0 इथेरियम मांगा जा रहा है, इनके ग्रुप में यहाँ पर मेंशन है, और अब तो एक मैसेज और पुट कर दिया है कि जितने भी जो फर्स्ट यहाँ पर 50 यूजर्स थे उनको उन्होंने अनलॉक कर दिया। इसका कोई भी प्रूफ नहीं है दोस्तों अनलॉक किए हैं या नहीं किए हैं, मैंने इनको एक मेल किया था और उस मेल में मैंने अच्छी खासी इसको वार्निंग दी थी और उसके बाद से अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। एंड 0.03 इथेरियम मांगने का कोई भी यहाँ पर सीन नहीं बनता है। और जब आप इनके ये वाले एड्रेस को चेक करते हैं, मैं इस एड्रेस की तरफ आपको लेके चलता हूँ, तो दोस्तों इस एड्रेस में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग सेंड कर रहे हैं और इनके एक सेकंड ये आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं और किसी के पास भी कोई भी विड्रॉ प्रूफ नहीं है, किसी से भी हम कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, तो इसको ये थोड़ा गलत चीज़ मुझे लग रही है। और 1.5 इथेरियम इनके वॉलेट में कलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, ये बहुत कुछ यहाँ पर विड्रॉ कर चुके हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक एड्रेस पर यहाँ पर अभी उन्होंने 20 घंटे पहले ट्रांजेक्शन किए हैं, आउट किए हैं इथेरियम, तो इस एड्रेस पर हम जब जाते हैं तो दोस्तों ये पता चलता है कि इन्होंने इन दी एंड रेमिटानो के थ्रू इथेरियम को विड्रॉ किया है। एंड जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं इस एड्रेस से यहाँ पर रिसीव हुआ, इस एड्रेस पर विड्रॉ हो रहा है और ये काफ़ी बार हो चुका है इस पर, तो आप लोग जब इस वाले एड्रेस पर जाते हैं तो पता चल जाएगा कि ये कहाँ से विड्रॉ हो रहा है, कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी एड्रेस से काफ़ी बार ट्रांजेक्शन हुई है, इनपुट आया है और इन्होंने यहाँ पर लास्ट में जाकर सेंड करा है रेमिटानो पर, रेमिटानो के थ्रू यहाँ पर विड्रॉ लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है और जब तक मुझे इसका क्लैरिफिकेशन नहीं मिल जाता तब तक मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप लोग यहाँ पर सेंड करना। सबसे पहले यहाँ पर मैं ट्राई करके देखता हूँ, अगर मुझे यहाँ से कुछ मिलता है तो मैं आपको बताऊँगा,
ठीक है, एंड आप में से अगर किसी ने ऑलरेडी इसको ट्राई कर लिया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। तो दोस्तों बस अभी के लिए बस यही अपडेट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका है, और जल्दी मिलेंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, कुछ न्यू एयरड्रॉप्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।